गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी। तो जैसे कि आज के वीडियो में हम आपको परसेंटेज के क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएसआई का और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा परसेंटेज है, इसे हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम बताते हैं आपको। जैसे 100% होता है, ये एक के बराबर होता है। ये 50% जो होता है ये 1/2 के बराबर होता है। और 33/3% जो होता है 1/3 के बराबर होता है। ये हमारा 25% होता है 1/4 के बराबर होता है। ये 20% 1/5 के बराबर होता है। ये हमारा 16/2/3% जो होता है 1/6 के बराबर होता है। ये हमारा 14/2/7% जो होता है 1/7 के बराबर होता है। ये 12/1/2% जो होता है 1/8 के बराबर होता है। ये देखिए 11/1/9% जो होता है 1/9 के बराबर होता है। और ये हमारा 10% जो होता है 1/10 के बराबर होता है। और ये देखिए 37/1/2% जो होता है 3/8 के बराबर होता है। अब ये 9/1/11% जो होता है 1/11 के बराबर होता है। तो इसी प्रकार और दो चार हैं जो आपको हम बता देते हैं, जैसे ज्यादा नहीं बताएंगे, तुरंत आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो इसके आगे ये है, देखिए 8/1/3% जो है 1/12 के बराबर है। ठीक है, तो और आगे भी देखिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए 7/9/13% जो है 1/13 के बराबर होता है। अब 7/1/7 जो है 1/14 के बराबर होता है। 6/2/3% जो है 1/15 के बराबर होता है। 6/1/4% जो है 1/16 के बराबर होता है। 5/15/17% जो है 1/17 के बराबर होता है। 5/5/9% 1/18 के बराबर होता है। 5/5/19% 1/19 के बराबर होता है। 5% बराबर होता है 1/20 के बराबर होता है। 5% 1/20 के बराबर होता है। अब 4% जो होता है हमारा 1/25 के बराबर होता है। तो चलिए आप और इसके आगे भी, और आपको तो पता है 20%, 30%, इसी प्रकार 30%, 40% सब निकाला जाता है। तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले ये हमारा 25% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। फिर ये है 33/1/3% है, इसको भी भिन्न में बदलना है। फिर उसके बाद 16/2/3% है, ये भिन्न में बदलना है आपको। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं।
ये 25 हो गया क्योंकि प्रतिशत लगा है तो अपान 100 होता है, 25 एकन्नम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4 हो गया। उसी प्रकार इसको देखा जाए 33 3 99 होता है, 99 + 1 100 होता है, ये हो गया 100/3, तो 100/3 होता है, ये हमें 100 से गुणा कर देना है बस। ये सौ कट गया, ये आएगा 1/3 आ गया। ठीक उसी प्रकार ये हो गया 16 3 48 2 50, ये हो गया 50/3, इसमें प्रतिशत लगा है तो ये गुणा हो गया। ठीक ये हो गया 50 50 × 100, ठीक है, ये 1/6 हो गया। इसी प्रकार ये हो गया, आपको बता दिया गया। अब इसके आगे आपको बता देते हैं थोड़ा सा और, तो चलिए हम आप आगे बताते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। निम्न प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 32%, ये है, और ये 72.5%, ये हो गया, और उसके बाद 8 1/2%। तो हमें इसको बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करना होगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 32/100, तो इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दशमलव क्योंकि 2 0 है तो यहाँ दशमलव लगा दिया जाएगा, 32 यानी कि 0.2 ये हमारा मान आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी देखा जाए, 72.5 है अपान 100 होगा, तो इसको दशमलव को ये काटेंगे तो यहाँ 1 0 और बढ़ाएंगे तो 5 से काट देते हैं, या 25 से डायरेक्ट काट दिए। ठीक, 25 × 50 होता है, 25 × 50 होता है, बचा कितना है इसमें, 22 बचा, तो 225 हो गया, 25 × 9 = 225 होता है, और ये 25 × 100 = 10, ये हो गया। अब 29 में 40 से भाग देते हैं, ये 40 हो गया, ये 29 हो गया, ये पॉइंट लगाते हैं, 0 करते हैं, 4 × 7 = 28 हो गया, 7 बार ले गए, 280 हुआ, ये हो गया 0, 9 में 8 गए तो 1 हो गया। फिर उस प्रकार 1 0 और लगाते हैं, 4 × 8, ठीक, ये हो गया 80, ये बचा 20। तो इस प्रकार और आगे देखा जाए, 1 0 और लगाते हैं तो अब कितना गया, 4 × 5 = 20, 5। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, 0.725, ये देखिए। अब ये 5 बार जाएगा, 4 × 5 = 200 हो जाएगा, 40 × 5 = 200 हो गया, ये कट जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं। 2 8 16 2 8 16 1 17, ये हो गया हमारा 17/2 हो गया। ठीक, 17/2 हो गया, तो इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये देखिए अब इसको हम करेंगे तो 17/200 हुआ। ठीक, अब हम 200 से भाग दे देंगे। ठीक है, 200 में ये हो गया 17 हो गया, 17 में 200 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 1 0 और हो गया, 2 8 16 100, 8 बार गया, ये हो गया 1600, ये हो गया 100 बचा, फिर 1 0 और लगाते हैं, 2 5 10, यानी कि 1000, ये हो गया कट गया। तो इसका आंसर जो है 0.085 ये आ गया। ठीक, ये हो गया, इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 40 का 15% कितना होगा। ठीक, 40 का 15% कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ये हो गया 40 उल्टे 15/100। 20 × 2 = 40 होता है, 20 × 5 = 100 होता है, 5 × 3 = 15 होता है, यानी कि 6, ये 6 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, आपको बहुत क्वेश्चन ये नहीं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। अब चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन की ओर। 2/50 का कितना प्रतिशत है? ये 2 कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 2/50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो कह रहा है 2 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो 50 का हमें पता नहीं है, तो x परसेंट मान लेते हैं। 50 का x प्रतिशत बटे 100 हो गया बराबर 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 × 100 हो गया, 50 हो गया 2 हो गया, x बराबर 4%। ठीक, ये 50 का 4% 2 है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो इसमें कह रहा है 4/5 क्वेश्चन है, 4/5 का 2/3 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, जो हमारा 4/5 है 2/3 का कितना परसेंट है। तो हम ऐसे लगा लेते हैं 2/3 का x प्रतिशत बराबर 4/5 है। तो चलिए काट देते हैं, ये कट गया, 2 × 5 = 10 मीन्स 50 हो गया। अब इसको 5 काट देते हैं, 5 × 10 = 50 हो गया। तब x इधर x बचा, अब ये हो गया 4 बचा, इसमें गुणा हो जाएगा 10 से गुणा 3, तो x बराबर 4 × 40 = 120 120% है। ठीक, 120% है। तो इस प्रकार आप देखते हैं और आपको अच्छा क्वेश्चन देते हैं। 1000 के ये जैसा कि ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा, यही पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसा आपको करना है, सिंपल सा। 1000 के 25%, ये हमारा सॉल्यूशन है। 1000 का 25% कह रहा है, 1000 का 25% के 1% है, कि इतना का 1% है, 1% का 1% है, फिर 1% कितना होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये भी काट दिया जाए, ये 5 डायरेक्ट 25 से काट दो, 25 × 100 हो गया। तो इतना पूछा है बराबर x होगा, ये x बराबर कर दिया जाए, तो इसको करना कैसे है, 1000 के 25% का 1% का 1% कितना है, मान लीजिए अब इसका टोटल निकाल लेते हैं, ये कितना हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा है, 10 × 1/4 हो गया, ठीक बराबर x हो गया, यानी कि 1/4 × 40 1/40, तो आंसर हमारा 1/40 आएगा। ठीक, अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का जो है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो जैसा कि आपको पता है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया, ये हमारा ये सॉल्यूशन था, ये भी ये अलग सॉल्यूशन हो गया। तो जैसा कि आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हमारा 24 घंटा हो गया, ये 24 घंटा हो गया पूछा है। इसमें कहा है 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 24 घंटे का 1 घंटा 45 मिनट कितना होता है, तो 24 घंटे का इसमें क्या पूछा है, प्रतिशत होता है, तो 24 घंटे का x प्रतिशत हो गया बटे 100 बराबर कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.7
फाइव घंटा, ठीक, क्योंकि ये भी आवर, ये भी आवर में है, ये भी आवर में होना चाहिए। ऐसे लिखिए, एक घंटा 45 मिनट का 1.75 पौना होता है, 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 20 ये 60, 15 चौक 60, तो 15 ये 45, 75% होता है, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं, सिंपल से ये दशमलव काटते हैं, डबल जीरो बढ़ाते हैं इधर नीचे, ये से ये कट गया, और इसके बाद इसको भी काट दिया जाए, नहीं कटेगा। फिर इसको देखते हैं, एक्स हो गया 175/24, तो 24 से भाग देते हैं, ये हो गया, चलिए इधर कर देते हैं 24 175, 24 175 भाग दे दें, कितनी बार जाएगा, 24 6 2 12 124 25 120, तो फिर चलिए ये हमारा आ गया। अब इसको हम काटते हैं, तो x बराबर होता है, ये 7 बार जाएगा, तो 7 बार ले लिए हैं, 7 4 28 हो गया, 7 2 14 2 16, यानी कि 168 हुआ, 168 हुआ, 68 2 70 5 75, बचा कितना, 7 बचा, तो 7 सही 7/24, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 24 परसेंटेज में है, हाँ परसेंटेज में है, तो चलिए ये हमारा ये आंसर हो गया, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिखता होगा, कह रहा है किसी संख्या, संख्या नहीं पता है, संख्या के यक्ष मानते हैं, ये संख्या को यक्ष मानते हैं, तो यक्ष का कह रहा है कि इसमें किस संख्या का 18%, यक्ष का 18% 18% और 75 के 12% के बराबर है, 75 का 12% के बराबर है, तो किस संख्या का, संख्या निकालना है, तो चलिए आइए निकालते हैं। ये कट गया, 100 से 100 कट गया, 8 2 6 2 12 हो गया, सॉरी 6 3 18 हो गया, 6 2 12 हो गया, ठीक है। अब 3 से 8 2 15, ये हो गया 25 3 75, यानी कि x बराबर 50, ये आ गया हमारा आंसर, ये आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, तो बताइएगा, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध का प्रतिशत क्या है। तो चलिए ठीक है, इसमें कह रहा है ये, इसको सॉल्व करते हैं, ये कह रहा है कि 24 कैरेट सोने को 100% माना जाता है शुद्धता, ठीक है, तो 24 कैरेट बराबर 100%, ठीक है, 100% हो गया, तो कितनी, कितना पूछा है, तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता प्रश्न में पूछा है, तो 22 कैरेट बराबर ये क्वेश्चन मार्क हो गया, यक्स परसेंट हो गया, चलिए ठीक है, हम बताते हैं। अब हम सपोज कीजिए इसको हम यक्स परसेंट मान लेते हैं, ठीक है, यक्स परसेंट, अब हम इसको हल कर लेते हैं, फिर ये गुणा कर ले, फटाफट कर ले, कर दिया जाता है, 24 * x हो गया, बटे 100 * 22 हो गया, ठीक। अब काट देते हैं, 4 5 9 हो गया 100, अब 4 6 24 हो गया, 2 से 2 2 3 6 हो गया, 2 11 22 हो गया, ये हो गया कितना, 3x हो गया, 3x बराबर 11 से गुणा कर लो, 11 5 55 11 2 22 5 27, ये हो गया। फिर उसके बाद भाग दे देते हैं, डायरेक्ट काट दिया जाए, तो x बराबर 3 9 27, ये हो गया, यानी कि 90 हो गया, 9 3 27 2 70 हो गया, सॉरी 91 हो गया, ये 91 हो गया, तो बचा कितना, 2 2/3%, यानी कि 91 सही 2/3% जो होगा ये सोने की शुद्धता होगी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि ए के 10% को ए में जोड़ने पर प्राप्त संख्या ए की किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ये ए के 10% जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसा हिस्से में हमें करना है, ए के 10% ए का 10% कह रहा है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ए के 10% को ए में जोड़ने पर, ठीक, प्लस कर दो, ए में जोड़ दो,
ठीक है, प्राप्त संख्या ए की किस संख्या से, जो प्राप्त संख्या होगी ए के किस संख्या से गुणा करने पर, ए के किस संख्या के गुणा करने पर एक्स हो गई, सॉरी हाँ एक्स ए की किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमें एक्स है तो किस संख्या पूछा है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका देखा जाए तो ये कितना हो गया, कट जाएगा, ठीक, ये हो गया ए प्लस इसका मल्टीप्लाई होता है टेन ए अपान टेन होता है। जहां आपको न समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद ए एक्स हो गया। ठीक है, तो हमें एक्स इस साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया ए प्लस टेन ए अपान टेन ए, ठीक, फिर उसके बाद बराबर एक्स हो गया। इसमें ए कॉमन हो रहा है, ए कॉमन कर लेते हैं, इसमें वन प्लस टेन होता है, ये बचा, ए कॉमन हो गया, नीचे हो गया, या टेन ए है, ए से ए गया यानी कि ए से कट गया, ये कितना हो गया, ये हो गया दस एक ग्यारह, ग्यारह बटे दस, ये हमारी संख्या है। ठीक है, जो आपसे पूछा था ये संख्या है ग्यारह बटे दस। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं, ठीक है, एक स्कूल है उसमें कितना है 72% बॉय है, ठीक है, ये बॉयज हैं, पता है 72% बॉय हो गए तो कितने परसेंट गर्ल हो गई, 28%, ये हमारा 28% गर्ल्स हो गई। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336, यानी कि जो 28% है उनकी टोटल संख्या 336 है, 336 बराबर किसके है, 28% के बराबर है। तो कह रहा है इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो जाहिर सी बात है जब 28% है तो अगर हम इसमें 72 अगर इसमें 72% भी निकालेंगे तो बॉय का आएगा, इसलिए 100% डायरेक्ट निकालते हैं। ठीक है, ये 100% हो गया, कुल संख्या पूछा है ये समान लो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 336 गुणते 100 बटे 28 गुणते एक्स। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 7 से काट दो, 7 चौको 28, सॉरी 4 से काट दो, 4 सत 28, 4 सत 28 हो गया, 4 पच्चीसाम में 100 हो गया। अब ये देखते हैं करता है कि नहीं, 7 चौको 28 ये कट जाएगा, 7 से काट देते हैं, 7 चौको 28 कितना बचा, 5, 7 अठे 56, ये हो गया। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 25 अठे 200 होता है, 200 को 0 हासिल हो गई 20, 25 चौको 100 120, यानी कि टोटल विद्यार्थी जो हैं, टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट्स ये हमारा 1200 होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यानी कि उसकी आय है वो आय का 80% जो है वो व्यय कर रहा है यानी खर्च कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 80% खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 20%। ठीक है, व्यय कितना कर रहा है, व्यय कर रहा है 80%, बचा रहा है यानी कि बचत कितना कर रहा है 20% की। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, व्यय कर देता है। यदि उसकी बचत 120 रुपया है, आय तथा व्यय अलग अलग बताएं। ठीक है, यानी कि उसकी जो बचत है कितना है 120, यानी कि बचत कितना है 120 रुपया है, और कितना परसेंट बचा रहा है 20% बचा रहा है, यानी कि 20% उसकी 120 रुपया जो बचत है, तो खर्च टोटल उसकी आय क्या होगी, यानी कि टोटल इनकम उसकी होगी 100% निकाल लिया जाए, तो एक समान लो। ठीक, अब इसको गुणा कर लो, 12 120 गुणते 100 बराबर 20 गुणते एक्स, काट दो 20 छक्के 120, यानी कि 600 रुपया टोटल उसकी इनकम है यानी कि आय है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है, आय तथा व्यय अलग अलग बताना है, तो 600 ये हो गया, आपको पता है 120 रुपया खर्चा कर रहा है, 600 में 120 माइनस कर दो, 120 रुपया इसका बचत हो गया,
इसका 120 रुपये बचत हो गया, सॉरी 120 रुपया बचत हो गया ये। अब खर्च कितना है, 600 में 120 माइनस कर दीजिए, 480 रुपया हुआ ना, 480 रुपया इसका खर्च हो गया। अब ये देखिए, ये इसका बचत हो गया, ये खर्च हो गया, और इसमें पूछा क्या है, आय, आय टोटल हमारी 600 इसकी आय हो गई। ये देखिए आय बचत खर्च सब निकल गया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका, चलिए बताते हैं। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर व्यय करता है और 10% दान देता है। यदि उसकी बचत 34 रुपया 34 पैसा हो तो उसकी आमदनी ज्ञात करें, यानी कि उसका इनकम पूछा है। तो चलिए हम बताते हैं, कह रहा है व्यक्ति अपनी आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर, सपोज करो उसकी आमदनी जो 100 रुपया है एक उदाहरण के तौर पर, या क्योंकि परसेंटेज है तो जाहिर सी बात है 100 मान के ही चलना पड़ेगा आपको। तो 80% कह रहा है कि घर की वस्तुओं पर, घर की वस्तुओं पर, घर की वस्तुओं पर खर्चा करता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 10% दान देता है, तो 10% जो है वह दान दे देता है, 10% वह दान देता है। तो उसकी बचत 34 रुपया, कितना बचत कितना है, बचत है 34 रुपया 40 पैसा, ये 34 रुपया 40 पैसा उसकी बचत है। बचत मतलब आप समझ सकते हैं 80% दान दिया, तो सॉरी घर की वस्तुओं पर खर्च किया, 10% दान दिया, बचा कितना उसका 10% तो बचा। अब 10% जो है यह 34 रुपया 40 पैसे के बराबर है, तो 100% निकाल लेते हैं तुरंत, 100% क्या है यक्ष मान लो, ठीक। अब इसका 10 × यक्ष बराबर 34 रुपया 40 पैसा × 100, तो इसको हम यक्ष बराबर 34 रुपया 40 पैसे को 100 से गुणा करोगे तो यही तो होगा 34 तो 40 रुपया / 10, ये वाला इधर आ गया, 0 0 कट गया, यानी कि यक्ष रूप हो गया 344 रुपया इसकी टोटल इनकम। तो चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नगर, किसी नगर में 78% हिंदू हैं, 10% मुसलमान हैं, 5% ईसाई हैं और 875 सिख रहते हैं, तो नगर की जनसंख्या, तो चलिए बताते हैं। कह रहा है 78% जो हैं ये हिंदू हैं, ठीक है हिंदू हैं, ओके। तो और 10% क्या है, 10% हैं मुस्लिम, ठीक है, और 5% ईसाई रहते हैं, ठीक है ईसाई, ओके। और कितना कह रहा है, 875 सिख रहते हैं, 875 सिख रहते हैं, ओके। अब आपको पता होगा इसको पूरा काउंटिंग करते हैं, ये टोटल कितना हो गया, 8 5 13, ये 7 8 9, ये हो गया 93%, ओके, ये 93% हो गया। तो बचा कितना हमारा, 7%, यानी कि 7% बराबर 875 सिख हैं, यानी कि 7% जो है सिख रहते हैं। तो हमें 100% पूरी आबादी पूछा है, तो 100% बराबर x मानते हैं, तो चलिए सॉल्व कर लिया जाए, 7 × x 875 × 100, जो कटे तो काट दिया जाए, 7 से काटो, 7 × 1 = 7, 1 बचा, 7 × 2 = 14, 3 बचा, 7 × 5 = 35, ठीक 125 हो गया। अब यक्स बराबर 125 × 100, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 12,500, यानी कि उस नगर की जनसंख्या पूछा है, तो 12,500, क्योंकि देखिए हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे करके 93% बराबर के डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपका समय बचेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आपको अच्छे से एकदम बताया जाएगा, जो आपके पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपके अच्छे से नंबर आएंगे, 5 10 नंबर तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये हर चैप्टर से ही सवाल आना है। तो
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है तो बी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको बता दें इसके लिए एक ट्रिक होती है, 100 × x फिर 100 ± x। जब कभी पूछे कहे कि ए की आयु बी की आयु से कितना मतलब 20% या 10% जो भी अधिक की बात करे तो हमें प्लस करना है, ठीक है, अधिक की बात करे तो हमें प्लस करना है और कम की बात करे तो हमें माइनस करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है, ये हमारी ट्रिक है, तो कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो मतलब 100 × 25 और फिर उसके बाद वो कह रहा है बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो अधिक की बात किया है तो 100 + 25, या इसको कर ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 100 × 25 / 125 हो गया, 25 × 125 5 / 100, यानी कि केवल 20% हमारा आंसर, ठीक, ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कह रहा है मोहन की आयु सोहन की आयु से 40% कम है, ठीक, तो सोहन की आयु मोहन की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो चलिए लगाते हैं। कह रहा है कि 40% कम है, तो जाहिर से बात है आपको ऐसे रख देना है सीधे सीधे, ये हो गया कि 40% कम है तो 100 - 40, ये हो गया, ये 100 × 40, 100 में से 40 गए 60, 20 × 40, 20 × 60, ये हो गया कितना हो गया 200/3% या कहो, या इसको 2/3 × 6 = 3/18 / 2/3 = 3%, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको सभी जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें तुम्हें तुरंत बताइए, आपको अच्छे से सॉल्यूशन किया जाएगा,